आज मैंने भी वोट दे दिया है और मैं लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि भारी संख्या में जाके वोट दें और एक अच्छा नेतृत्व चुने। उम्मीदवार जो भी चुना जाए, जो भी प्रधान या उप प्रधान, एक अच्छा व्यक्ति चुना जाए। और हमें तो अपनी पंचायत में ऐसा प्रधान या उप प्रधान चाहिए जो यानी कि जितने हमारे रोड हैं उन रोडों को अच्छे ढंग से उनका काम करवाएं और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलवाएं और एक अच्छा नेतृत्व वाला प्रधान या उप प्रधान लोगों को चुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हिमानी ठाकुर। मैंने आज पहली बार मतदान किया है। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी भी अपना सही प्रतिनिधि चुने, ऐसा प्रतिनिधि चुने जो 5 साल तक काम करे और गांव का विकास करे। हमें ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहिए जिस जो कि गांव का विकास करे, सड़कों को बनाए और साथ ही निर्धन परिवार को भी सहयोग दे और जो सरकार द्वारा नई जो नीतियां हैं उन्हें भी गांव-गांव के हर एक लोगों तक पहुंचाए। हम यही कहते हैं जो भी प्रधान है, उप प्रधान है, BDC मेंबर है, जिला परिषद है, जो भी चुने जाएँ वो विकास करें हमारी पंचायत का। और लोगों को भी यही प्रार्थना है कि उसी को चुने जो अच्छा विकास करे, कि अपना ये ना हो कि भाई अपनी मर्जी से ही करते रहें, लोगों को भी सुने, पूछे लोगों को भी क्या करना क्या नहीं करना। विकास हो गांव का, पूरी पंचायत की तरक्की हो जाए, जो भी काम छोटे बड़े सब हो जाए, बस इस करके दिया जी सबको। लोग वही बोलते कि अच्छे चुने जी, प्रधान अच्छा है, उप प्रधान अच्छा है, पंच अच्छा है, जिला परिषद समिति मेंबर अच्छा है, जो कि काम करे, पंचायत के लिए काम करे, सब के लिए काम करे, अच्छे काम करे। का बहुत योगदान है, ये भी खुशी की बात है। यहाँ जो युवा वोटर है वो भारी टर्नआउट में आ रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं। अभी हमने आपके समाचार पत्र और दूरदर्शन से देखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि 21 साल के जो नौजवान युवक युवतियाँ हैं वो पंचायती राज के तीनों स्तर में, पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में चुनकर आ रहे हैं और बहुत सारे बहुत पढ़े लिखे हैं। इससे रुझान का पता लगता है कि पंचायती राज के प्रति सभी की रुचि है और जो पंचायती राज है बड़ा सशक्त एक, मैंने कहा, साधन है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए और समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए और उसके साथ साथ विकास में जो है सकारात्मक सहयोग देने के लिए। पंचायतें जो है वो न्याय भी करती, इस तरह जो पंचायतों के पास जो अधिकार है वो अधिकार तो जो है देश और प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महोदय के पास नहीं है। तो इसलिए पंचायतें चूँकि वो वही की होती है, वो आँख नाक कान होते हैं इलाके का, इसलिए पांच में परमेश्वर जो हमारे युगों युगों से हिंदुस्तान में चला है, पांच में परमेश्वर, उनका जो योगदान है, उनकी जो सलाह है वो हमेशा सर्वोपरि मानी गई है।